आज से करीब 5 महीने बाद खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक गेम्स, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 11,000 एथलीट्स और 206 देश भाग लेंगे। 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक गेम्स को 2003 में बिड जीतने के बाद 2020 के लिए जापान की राजधानी टोक्यो को चुना गया था। लेकिन जैसे जैसे रहस्यमय और घातक कोरोना वायरस चीन के बाहर अपने पांव फैलाने लगा है, ओलंपिक गेम्स के आयोजन पर संदेह होने लगा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक दुनिया में वर्ल्ड वॉर जैसी गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती, ओलंपिक गेम्स को कैंसिल नहीं किया जाता। पिछली बार ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर टू के दौरान 1944 में कैंसिल किए गए थे। पिछले 75 साल में हर बार अपने तय समय पर ही ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्यों लगता है कि कैंसिल होंगे ओलंपिक्स 2020। कोरोना वायरस एपिसेंटर यानी जहां से फैलना शुरू हुआ वुहान, टोक्यो से लगभग 1500 मील दूर है। जापान में अब तक वायरस से 946 मामलों की पहचान की जा चुकी है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ओलंपिक गेम्स का कैंसिल या फिर पोस्टपोन होने का मूल कारण चीन में मची तबाही नहीं, बल्कि चीन के बाद कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मचा कोहराम और ईरान, साउथ कोरिया, इटली और अमेरिका जैसे देश में कोरोना वायरस का बढ़ता प्रकोप है। ये सब वो देश है जिनका नाम ओलंपिक मेडल टैली में सबसे ऊपर आता है। ग्लोबली 40,000 कंफर्म्ड केसेस और 3,000 के करीब मौतें। ईरान में तो वाइस प्रेसिडेंट, हेल्थ मिनिस्टर समेत 8 मिनिस्टर इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं। जब भी कोरोना वायरस का जिक्र आता है, 2003 में फैले सार्स से कंपेयर जरूर किया जाता है। खेलों से जुड़ा भी सार्स का किस्सा है। सार्स महामारी के फैलते देखते हुए तब 2003 में चीन में वुमेन्स वर्ल्ड कप को रद्द करना पड़ा था और वेन्यू बदलकर यूनाइटेड स्टेट्स करना पड़ा था। कहीं अब टोक्यो ओलंपिक्स भी तो कोरोना वायरस की भेंट नहीं चढ़ जाएगा? ओलंपिक्स क्वालिफाइंग इवेंट जो चाइना में होने वाला था, अब कोरोना वायरस के चलते या तो कैंसिल किया जा रहा है या फिर वेन्यू बदलकर दूसरे देशों में रखा जा रहा है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल और बैडमिंटन में ओलंपिक्स क्वालिफाइंग गेम्स जो चीन में फरवरी में होने वाली थी, उन्हें पहले ही ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया और जॉर्डन में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जापानीज ऑफिशियल्स की क्या स्टेटमेंट है। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि ओलंपिक गेम्स को कैंसिल या फिर पोस्टपोन करने की आधिकारिक खबर तो अभी तक नहीं आई है और जापानी ऑफिशियल्स ने बताया है कि वो कोरोना वायरस से फैले भय को दूर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शक इसीलिए पैदा होता है, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने ओलंपिक गेम्स के 80,000 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग को मई तक पोस्टपोन कर दिया है। ओलंपिक गेम्स की परंपरा के अनुसार अगले महीने ओलंपिक मशाल को जापान के सभी 47 प्रांतों में ले जाने का प्लान है। इसके लिए लगभग 10,000 टॉर्च बेयरर्स ने मास्क पहनकर ड्रेस रिहर्सल की। कोरोना के डर से इसको देखने कम ही लोग अपने घरों से निकले। कोरोना वायरस से चाइना की हुई हालत देखकर कोई भी देश ढील नहीं बरत रहा। दुनिया भर में क्राउड पुलिंग इवेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं, चाहे वो इटली में सॉकर मैचेस हो या फिर जापान मैराथन, जिसमें 38,000 लोगों ने पार्टिसिपेट होने की उम्मीद थी। बस 136 एलीट एथलीट्स को ही पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी गई। उन्होंने भी मास्क लगाकर रेस में भाग लिया। अब सवाल उठता है कि अगर ओलंपिक जापान से कैंसिल हुए तो कहां होंगे? वैसे ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के लिए सालों पहले तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है, लेकिन ब्रिटिश कैपिटल के मेयर ने ओलंपिक कमेटी से रिक्वेस्ट की कि वो कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अच्छे से समझे और अगर जरूरत पड़ी तो 2012 की तरह लंदन ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता है कि क्या विजिटर्स आएंगे मैचेस देखने के लिए? ये बड़ा सवाल बना हुआ है और अगर जापान कोरोना वायरस को कंट्रोल कर भी लेता है और तय समय पर ओलंपिक्स टोक्यो में आयोजित किए जाते हैं तो भी कोरोना वायरस का भय में कितने लोग टोक्यो ओलंपिक्स देखने के लिए जाएंगे? कोई भी देश ओलंपिक होस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर इसी उम्मीद में खर्च करता है कि वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, नई इन्वेस्टमेंट आएंगी। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए चीन के खिलाड़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स पहले से ही बंद है क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ईरान और थाईलैंड में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट्स का नंबर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हो सकता है कुछ कंट्रीज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दे और इन कंट्रीज के एथलीट्स ही अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लोग ओलंपिक्स देखने भी क्यों जाएंगे? होस्ट कंट्री कभी नहीं चाहेगा कि ओलंपिक गेम्स का वो वर्ष ऐसे लार्ज लॉसेस या फिर अनसक्सेसफुल इवेंट से जाना जाए।
दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो के पीछे की रिसर्च और मेहनत अच्छी लगी हो, कारगर लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।